हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वैशालीज क्रोशे में। आज हम ये ब्यूटीफुल बॉर्डर सीखने वाले हैं, लेस बॉर्डर क्रोशिया की। बिगिनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसान है बनाने में। इस लेस को आप दुपट्टे की बॉर्डर पर या ड्रेसेस की आस्तीन या गले की बॉर्डर पर भी बना सकते हैं। आज हम ये हैंकरचिप की बॉर्डर पर बनाएंगे इस तरह। इसके लिए हम प्लेन हैंकरचिप यूज़ करेंगे, वाइट कलर या किसी भी कलर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम ये एंकर पर्ल कॉटन का थ्रेड यूज़ करेंगे, 8 नंबर। किसी भी शेड में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हुक 0.75 mm का 10 नंबर हुक हम यूज़ करेंगे। सीजर, ये सब हम यूज़ करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इस एंकर चिप की बॉर्डर पर हम ये लेस बनाएंगे। इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बना ली हमने। अब इस कॉर्नर में हुक को इंसर्ट करेंगे। यहाँ से हुक को इंसर्ट कर लिया हमने। नीचे से लूप को पुल कर लेंगे। और एक सिंगल क्रोशे करेंगे यहाँ पे। हमने धागे को अटैच कर लिया। यहाँ पे चेन टू बनाएंगे। चेन टू यान ओवर। अब थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे, लूप को पुल करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो स्पेस तैयार हुई है यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन टू करेंगे पहले। चेन टू इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारा, सेकंड एंड थर्ड, 3 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। अगेन यान ओवर करेंगे। अब सेम डिस्टेंस यहाँ भी रखना है हमें। हुक को इंसर्ट करेंगे, लूप को पुल करेंगे, अगेन डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। चेन टू, यान ओवर करेंगे और इस स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह अगेन सेम डिस्टेंस पे हमें हुक को इंसर्ट करना है और यहाँ पे लूप को पुल करना है, डबल क्रोशे बनाना है। चेन टू, अगेन 3 डबल क्रोशे। ऐसे हम आगे के कॉर्नर तक इसे बनाते जाएंगे। अगेन हम सेम डिस्टेंस पर
हुक को इंसर्ट कर लेंगे या नोर करेंगे। अगेन 3 डबल क्रोशे। इस तरह हम ये साइड कंप्लीट कर लेंगे कॉर्नर तक। फिर कॉर्नर कैसे बनाना है ये भी सीखेंगे। इस कॉर्नर तक हम वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। इस कॉर्नर तक हमने ये वर्क पूरा कर लिया है। अब इस कॉर्नर में हमें इस तरह 2 डबल क्रोशे ऐसे वी शेप में पास पास बनाने हैं। यहाँ पे हमें यार्न ओवर करेंगे सेम डिस्टेंस पर। यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे और डबल क्रोशे बना लेंगे, चेन 2। अब इस स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। सेकेंड डबल क्रोशे, थर्ड, अगेन यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पे हमें इसी डबल क्रोशे के पास में डबल क्रोशे बनाना है। हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन सेम प्रोसेस करना है, 2 चेन करके करने के बाद यहाँ पे स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। स्पेस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगेन यार्न ओवर करेंगे सेम डिस्टेंस रखकर, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, अगेन चेन 2, 3 डबल क्रोशे। ऐसे हम सारे 4 कॉर्नर्स में ये बना लेंगे ऐसे कॉर्नर। कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमने ये सारे 4 कॉर्नर्स पे 4 साइड्स पे ये वर्क कर लिया है। अभी लास्ट यहाँ पे एक डबल क्रोशे। अभी लास्ट कॉर्नर हम बनाने जा रहे हैं। अब इस वर्क करेंगे, थोड़ा क्लोज कैसे करते हैं यहाँ पे ये देखते हैं। हुक को इंसर्ट करेंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे, लूप को खींच लेंगे ऐसे, इस तरह चेन टू करेंगे। स्पेस में 3 डबल क्रोशे 3 डबल क्रोशे।
यान ओवर करेंगे, अगेन यान ओवर करेंगे, सेम डिस्टेंस रखकर यहाँ पे बनाएंगे, हुक को इंसर्ट करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, अगेन चेन टू थ्री डबल क्रोशे, फोर डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे करेंगे, यहाँ पे यान ओवर करेंगे इस तरह, यान ओवर करेंगे और यहाँ पे इस कॉर्नर के नीचे हुक को इंसर्ट करेंगे और लूप को खींच लेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे, चेन टू डबल क्रोशे करेंगे, चेन टू स्पेस में थ्री डबल क्रोशे स्पेस में, थ्री डबल क्रोशे करेंगे, इस तरह यान ओवर करेंगे, यान ओवर अगेन इसी स्पेस में, ये डबल क्रोशे के इसी स्पेस में पास में इसी जगह डबल क्रोशे बनाएंगे, डबल क्रोशे करेंगे इस तरह, ये शेप में हमें ये स्टिच बनानी है, चेन टू अगेन थ्री डबल क्रोशे बनाएंगे स्पेस में, थ्री डबल क्रोशे, वन टू एंड थ्री, ये लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशे। अब यहाँ पे और हम यहाँ पे जहाँ पे हमने जो हमने फर्स्ट बनाया था इसके डबल क्रोशे बनाए थे, यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे हम वहाँ पे इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस स्पेस में, इस जगह हुक को इंसर्ट करेंगे और ये स्लिप स्टिच एक चेन करेंगे, इस तरह हमने ये कंप्लीट कर लिया, चेन करेंगे, धागा खींच लेंगे और कट करेंगे, धागा कट कर लेंगे, धागे को बैक स्टिचेस में हाइड कर देंगे, इस तरह हमने ये सुंदर सी लेस कंप्लीट कर ली है, पूरे हैंकरचीफ पर हमने ये बना ली है। आप अपने पसंद के कोई भी कलर्स की थ्रेड्स यूज़ कर सकते हैं, वाइट कलर की थ्रेड से भी बहुत सुंदर दिखती है ये लेस, ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। आप पहले इसे मार्क कर सकते हैं डिस्टेंस को, फिर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।